भाजपा ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से शनिवार से सदस्यता अभियान की शुरुआत की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शुरू हुए इस सदस्यता अभियान के दौरान पार्टी ने आगामी 11 अगस्त तक हर विधानसभा की बूथ स्तर पर 20% अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम सिंह डरैक ने 15-20 क्षेत्र के गानवी में इस अभियान की शुरुआत की। शनिवार को यहां की फांचा पंचायत के गानवी में भाजपा नेता एवं राज्य योजना आयोग के सदस्य प्रेम सिंह डरैक ने इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। सबसे पहले उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार को दोबारा प्रचंड बहुमत देने के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रामपुर में प्रत्येक बूथ में 20% अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भाजपा सदस्यता अभियान रामपुर मंडल के सह प्रभारी बीरबल कश्यप ने बताया कि इस अभियान के तहत आगामी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक एक्टिव मेंबर बनाए जाएंगे, जबकि अभियान 11 अगस्त तक चलेगा। इसी पर 50 मेंबरशिप प्राइमरी मेंबरशिप बनाएंगे, तभी आप सक्रिय मेंबर बनेंगे। सक्रिय मेंबर बनने के लिए 100 रुपए आपकी फीस होगी और 400 रुपए जो हमारा पत्रिका आती है, तो टोटल 500 रुपए के हिसाब से आपको चार्जिंग लगेगा। इसके अलावा जैसे आपने अगर नए मेंबरशिप की हमारी फीस बनी होगी, वो भी आपने अपने पुराना फीस लेके उसके अलावा नए लोग ला सकते हैं। वैसे अलग अलग मैंने मोर्चों का अलग कॉपी दी है, बीच को अलग कॉपी दी है, जो ग्राम के अध्यक्ष सब मॉनिटरी ग्राम के अध्यक्ष करेगा और सारे भी ग्राम के अध्यक्ष रहेगा। ये जानकारी आपने फॉर्म में ही देखे हैं, सिर्फ डाटा दिया है। और जिसने मान लो किसी ने ऑनलाइन भर दिया ना, आप मान लो कोई किसी ने ऑनलाइन भर दिया, आप पता नहीं है, उनको भी ये जो हार्ड कॉपी है ये उनको भरना अति आवश्यक है। अगर नहीं भरेंगे उनको बाद में जैसे वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होगा, बाद में उनको भरना ही पड़ेगा। इसी प्रकार रामपुर मंडल के गानवी, डंसा, रामपुर बाजार और ननखड़ी में सदस्यता अभियान शुरू किया गया। इसी कड़ी में रामपुर में मंडल अध्यक्ष शशिभूषण श्याम ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के विस्तारक सुरेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता सिंगी राम ने कहा कि इस सदस्यता अभियान के तहत भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ स्तर पर जाएंगे और आम जनता को भाजपा की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। उन्होंने बताया कि रामपुर भाजपा ने अगले एक माह तक इस सदस्यता अभियान के तहत हर बूथ से अधिक लोगों को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाने का लक्ष्य रखा। जो आपके वेलफेयर का काम है वो साथ साथ चलाए हैं, इसलिए ये बजट जो है बहुत ही सराहनीय है। इसमें मूल चूक परिवर्तन आएगा, गरीबों का भला होगा, किसान का भला होगा, आम आदमी का भला होगा। ये बजट जो है गांव की तरफ इसका रुख है और गांव की स्थिति अच्छी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मोदी जी का जो ये दूसरा टेन्योर है, भारत के लोगों ने, भारत के वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और मोदी जी का जो दूसरे टेन्योर का पहला बजट है वो जमीन पर खरा उतरा है। इसमें सारे जो आपके वर्ग हैं उनका ख्याल रखा गया है और नंबर एक पार्टी है, 11 करोड़ मेंबर रामपुर में जो हमारे सदस्य है वो भी है आपके है 10,000 से ऊपर है, 10,000 से ऊपर मेंबरशिप। और हमने क्या करना है, इसको 10 के बजाय 20 करना है, 20 दुगने करने हैं, ठीक है, 10 अभी हमें 10 हमने और करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 15-20 में अगर पहले 1,000 मेंबर है तो 1,000 और बनने हैं। नए मंत्री है, उन्होंने जो नारा दिया है सबसे पहले गांव, गरीब और किसान, वो बजट के केंद्र बिंदु है और विकास के केंद्र बिंदु हुई है। 2022 तक सबको पक्के मकान, पीएमजीएसवाई जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत तीसरे चरण में सारे गांव को जोड़ना, 6,000 रुपए प्रत्येक किसान को देना, रोजगार की बात करना, स्वयं रोजगार की बात करना और उद्योग को बढ़ावा देना, इनकम टैक्स पे छूट, जीएसटी में सुधार, आर्थिक सुधार,